आज हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी जेली। तो उसके लिए सबसे पहले हमने भगोनी लिए। अब इसमें हमें आधा लीटर दूध डालना है। तो हमने इसमें आधा लीटर दूध को डाल लिया है। अब दूध हल्का सा गर्म हो जाएगा, इसके बाद फिर हम इसमें जेली का पूरा पैकेट डाल देंगे और फिर इसको मिलाएंगे। तो हल्का सा पहले हम दूध गर्म करेंगे। दूध हल्का सा गर्म हो गया है। अब हमने ये पैकेट लिया है पूरा, हम इसको इसमें डाल देंगे। इस तरह से हम इसमें अब इसको हमें उबाल होने तक इस तरह से मिलाते रहेंगे इसको हम। अब इसको हम कटोरियों में निकाल लेंगे जमने के लिए। तो इस तरह से जो हमने बनाया है वो हम इसमें डाल देंगे, फैला लेंगे। तो हमने सब में डाल दिया है। ठंडा होने के बाद फिर हम आपको निकाल के दिखाएंगे इसको। कम से कम ये ठंडा हो गया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे जेली को एकदम। तो अब इसमें हमने सूजी मैदा का यूज नहीं किया है, हम ले रहे हैं बाजरे का आटा। एक कटोरी हम गेहूं का आटा ले रहे हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डाल रहे हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आधी चम्मच चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं और छोटी चम्मच आधा हम इसमें अजवाइन डाल रहे हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही अहम। सफ़ेद वाला जो तिल होता है वो हम डाल रहे हैं, मिला लेंगे। इस तरह से आप अपने बच्चों को रेडी करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे हम। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई बना इस तरह से और एक फूक से हम इसमें ये। तो अब हम कढ़ाई में सारी मटरियों को सेक लेंगे। थैंक यू। और इसमें बिस्किट निकाल के तोड़ के इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से हमने बिस्किट तोड़ के इसमें डाल दिए हैं। अब इसका हमें एक पाउडर बनाना है। हमने एक छन्नी ली, वो निकल जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको छान लिया है। यह हमें बचा हुआ है, इसको हम अलग से इनको हम छील के अलग। ये वाले पिस्ता हमने इसलिए लिए क्योंकि ये हल्के से ये लिया है कुटनू। इसमें हम इसको एक पेस्ट बनाना है। पार्ले जी का पाउडर बनाया था तो ये इसमें हम बच्चों को जैसा पसंद आता हो तो हमने को। और हमने गिलास में दूध लिया है, थोड़ा इस तरह से बेल लेंगे क्योंकि हमें इसको ये आपको बेलना है अच्छे से। और इसको दबा तो हमारा। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं चीजी डोसा। तो उसके लिए हमने डोसा का बैटर लिया है और हमने गैस को चालू कर लिया है। अब इसमें हमने 2 चम्मच डाला डोसा का बैटर और इसको इसी टाइम हम अच्छे से फैला लेंगे ठंडे में ही। हल्का सा ही गर्म होना चाहिए जिससे कि अच्छे से फैल जाता है। हम इस ठंडा हो जाएगा, ये हल्का सा ड्राई हो जाएगा। इसके बाद फिर हम इसमें चीज़ डालेंगे और पेरी पेरी मसाला डालेंगे। तो इस तरह से हमने इसको एकदम पतला फैला लिया है। तो ये हल्का ड्राई हो गया है। अब हमने ये पेरी पेरी मसाला लिया है, ये इसमें हम डालेंगे। अब हमने चीज़ की क्यूब ली है, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से चीज़ मेल्ट हो गया है और ये भी यहाँ से थोड़ा कुरकुरा हो जाने दो। तो हमारा चीज़ी डोसा रेडी हो गया, इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो रेडी है हमारा चीज़ी डोसा, ज़रूर बनाना। थैंक यू।